पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा में आए बरनाला के कस्बा धनौला के कोठे गोविंदपुरा के लवप्रीत सिंह की मौत का मुद्दा चर्चा में है। लवप्रीत की मौत उसकी कनाडा गई पत्नी द्वारा दिए धोखे के कारण होने के परिवार ने आरोप लगाए थे। लवप्रीत के परिवार से मिलने पंजाब महिला कमीशन की चेयरपर्सन मुनीषा गुलाटी पहुंची, जिन्होंने लवप्रीत के परिवार को इंसाफ दिलाने का विश्वास दिलाया। मैडम मुनीषा गुलाटी ने कहा कि लवप्रीत की मौत के मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, यदि उसकी पत्नी आरोपी पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और कनाडा से डिपोर्ट भी होगी। वहीं इस दौरान पंजाब के कई जिलों से ठगी का शिकार हुए नौजवान और लोग मुनीषा गुलाटी से मिलने पहुंचे। इस दौरान पीड़ित युवकों ने बताया कि उनकी पत्नियां उनके साथ लाखों की ठगी करके विदेश चली गई हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इस मौके पर मैडम मुनीषा गुलाटी ने कहा कि पंजाब में विदेश जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट विवाह का गलत रुझान पैदा हुआ है। लवप्रीत का मामला भी यही है और उसने खुदकुशी की है। उन्होंने कहा कि इस मामले संबंधी लवप्रीत की पत्नी बेअंत और बेअंत के परिवार के साथ बात भी हुई है, परंतु बेअंत कौर ने लवप्रीत की मौत को खुदकुशी नहीं माना है। इस मामले की सीनियर अधिकारी बारीकी से जांच कर रहे हैं, यदि लवप्रीत की पत्नी दोषी पाई गई तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी और उसको भारत भी आना पड़ेगा। चेयरपर्सन गुलाटी ने अन्य ठगी का शिकार हुए नौजवानों को भी इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सभी पीड़ितों की अर्जियां लेकर मैडम गुलाटी ने कार्रवाई का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि विदेश जाने के लिए पंजाब के लोगों में पैदा हुई दौड़ गलत है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैं देखो जी, मैं सारे एक अपील करना, सोशल मीडिया एक बहुत सोहना प्लेटफॉर्म है। तुम तो गल मैं भी अच्छी गल रखी, देखो किन्ने लोग आ गए है ना। तुम कदे भी किसी चीज़ की घुट ना करो, खुल के बारे करो। दूजी महिला कमिशन दीदी की गल असी जो सोशल मीडिया से गल पाई, उन्होंने गल पहुंची, वो साढ़े अच्छ अच्छा फरियाद सुन आ रहे हैं। मैं उन्होंने दिलों धन्यवाद करता, उन्होंने साड़ी सुनी है तो सब की सुन। जे उन्हें पैसे भेजे ने जी, वह घर वाला ये कोई नवी गल नहीं हैगी भाजी। तुम घर कमाने थोड़ी घर वाली सोचो ही मंगूगी नहीं, जब पैसे भेजे ने वो घर वाले भेजे ने, तो असी भी तो पैसे लाए इन्हें, असी पैसे तो भविख से लाए हैं। उन्होंने बाहर भेजे तो साडा मुंडा लेके जाऊगी, साडे मुंडे खाता तो कोई रिस्पोंस ही नहीं है। उन्हें एक भी यह जहाँ काम नहीं कर जिदा साडे मुंडे की फाइल लग सके ना, वो कॉलिंग से है ना, वो कोई बिल ने उन्हें गिफ्ट करे साडे मुंडे ना, वो कोई टाइमिंग है कि लंबा टाइम साडे मुंडे को रही हो, 10 दिन रह गई है सिर्फ। जे उसे कोर्ट च फेल मतलब कि वो कह देंगे भाजी तुम्हें रहे तो 10 दिन छोटी फाइल लगनी भी नहीं, लंबा समा महीना 2 महीने रहे नहीं है। कुल मिला के जिन्ने वे पॉइंट ने सारे साडे मुंडे इतने छड़न भी सके। साड़ी कमिशन तो यह मंग है जी, देखो इंसाफ होना चाहिए। जे अज लाडी नूं इंसाफ ना मिलिया, मैं गल क्लीयर कर दिना, 60 मुंडियां की लिस्ट मेरे को पई है। जिदे साडा सानू इंसाफ ना मिलिया, मैं पोस्ट करता ही भरावा असी हार गए, 20-30 ने तो नाल दीवां सलफास खा जानी है। वह जिम्मेवार प्रशासन होगा। मैं कैप्टन साहब को बेनती करना, इधर ध्यान दे लो, थोड़े 4 महीने रह गए, जाते जाते कोई वधिया जिहा काम कर जो हो सकता तुहाडी सरकार द्वारा। अज देखो एक जिहड़ा इह पंजाब विच नवा दर्द उभर रहा है, मैं इनू बदल नहीं रहा जब तक इस मैं सीट पे वहां, क्योंकि जो मैं 2018 च विमेन कमीशन ज्वाइन किया उदो ऑन रिकॉर्ड 1000 बच्चे से, 1000 कुड़ियां ने, अज भी कुड़ियों धोखे हो रहे हैं। बट हुण जिहड़ा नवा काम शुरू हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैरिज या फैमिली के नाल एग्रीमेंट इन्हों जो हो जाता है, मुंडे वाले पैसा ला के कुड़ियों आईलेट्स की क्लीयर करा के बाहर भेज दी ने, जो लवप्रीत के केसिस हो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इन नंबरस को आपां रोकांगे। हर हाल इन्नी सारी शिकायतें मैंने इतने दे दी ने, गहन इन्वेस्टिगेशन होएगी, जो भी दोषी पाया गया छड़िया नहीं जाएगा, यह पक्का। साडे पंजाब दे बच्चियां नूं मैं परिवार उजड़न नहीं दांगी, कल्ला कल्ला मापिओ दा मुंडा चला गया। इसे तरह ही बहुत सारे परिवारां दे कल्ले कल्ले बच्चे ने, बाहर जांदा सपना ते लोकी देख लैंदे ने, मापिओ भी देख लैंदे ने, पर इन्हां नूं एक्चुअल विच नहीं पता बाहर किन्नी हरासमेंट है। साडे बच्चियां नूं रेसिज़म फेस करना पैंदा, बाहर दे कंट्रीज जाके हरासमेंट फेस करनी पैंदी, चाहे ओह कुड़ी होए चाहे मुंडा हो, बच्चे अपने पेरेंट्स नाल डिस्कस ही नहीं करदे।